नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। चले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर जहां जनता में अपार उत्साह दिखाई दिया, तो वहीं प्रधानमंत्री के हल्द्वानी आगमन को लेकर भाजपा के द्वारा भव्य तैयारियां की गई। हल्द्वानी पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनसभा स्थल पर भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री के दौरे पर राज्य को मिली सौगात को लेकर भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, राज्य के कैबिनेट मंत्री और राजनीति के चर्चाओं में मशहूर हो चुके हरक सिंह रावत और भीमताल से क्षेत्र विधायक राम सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज जिस तरह सौगात और कुमाऊं और उत्तराखंड को दिया है, 17,500 की करोड़ की योजनाओं का, जिसमें सिविल लाइन भी है, कॉरिडोर भी है और पर्यटक भी है, नैनीताल का झील भी है, स्वच्छता भी है, सारी चीज़ें, इवन आपका प्रोजेक्ट भी है, आपका बिजली ऊर्जा, ये सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है उससे आम जनता प्रसन्नचित है, खुश है, अपार उत्साह जनता में है, कार्यकर्ताओं में जोश है और यही 2022 फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करेगा, सरकार बनाएंगी और जो काम केंद्र सरकार के द्वारा और जो बजट फंडिंग हुई है उसके हमारी प्रदेश सरकार तेजी से आगे जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और करेंगे, निश्चित है फिर हम 60 पार सीटें लाएंगे, सरकार बनाएंगे। उनमें आए थे तो 18,000 करोड़ की योजना का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने किया और आज लगभग 17,600 की योजना का शिलान्यास पहले से निर्धारित था और 2,000 करोड़ अलग से उन्होंने जिस तरह आज घोषणा की हल्द्वानी के लिए, लगभग 20,000 करोड़ की योजना का शिलान्यास आज यहाँ पे हुआ है। मेरे विभाग की जो बहुत ऊर्जा विभाग की लखवाड़ जलविद्युत परियोजना जो उत्तराखंड को 300 मेगावाट बिजली देने का काम करेगी और 6 प्रदेशों को जिसमें हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश पानी और सिंचाई का भी काम करेगी। तो ये निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ 50 साल से ये योजना पे काम नहीं हो रहा था। जब पहले 4 महीने पहले जब मैं इस विभाग का मंत्री बना तो मैंने प्रयास किया, मैं सेकावो जैसे मिला, प्रधानमंत्री से निवेदन किया, मुख्यमंत्री से मैंने कहा, वो भी प्रधानमंत्री से मिले और तब हमने सारी क्लियरेंस पिछले 4 महीने में इससे जलविद्युत परियोजना की है और अब मुझे खुशी है कि ये जलविद्युत परियोजना अब इसका काम शुरू होगा। सारी स्वीकृतियाँ हमको इस योजना के लिए, हमारी सारी स्वीकृतियाँ हमको मिल गई है। सर, प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन के बारे में भी उन्होंने कहा, लेकिन जबरानी बात जो यहाँ की भी वर्षों पुरानी मांग है उस पर कोई नहीं, मैं सोचता हूँ कि उस पर भी काम होगा, लेकिन उन्होंने इसलिए जिक्र किया उस योजना का कि लोग इस तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं कि भाई ये केवल एक घोषणा है, इस पर काम नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया कि जिस तरह ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पर आज युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, उसी तरह टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन पर भी उसी तरह काम होगा। तो ये विश्वास प्रधानमंत्री ने आज मंच से दिलाया है। जबरानी पे कुछ नहीं बोल पाए, जबरानी नहीं, अब वो जबरानी भी उस पर भी मैं सोचता हूँ हमारी सरकार आगे काम करेगी। और ये ठीक है कि सब योजनाओं का जिक्र नहीं किया जा सकता था, लेकिन सभी महत्वपूर्ण योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया और इस पर भी हमारी सरकार आगे काम करेगी। उत्तराखंड के प्रति, पहाड़ के प्रति, कुमाऊं के प्रति और बहुत बड़ा लगाव रहा है और आज तक देश में जाए जितने भी प्रधानमंत्री बने, जितना कार्यकाल माननीय नरेंद्र मोदी जी का रहा, तो सबसे अधिक प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय उत्तराखंड के लोगों के लिए, उत्तराखंड में कुमाऊं में, गढ़वाल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया। वो पहाड़ के लोगों को प्यार करते हैं, उत्तराखंड के लोगों को बहुत प्यार करते हैं और सर्वविदित है, चाहे केदारनाथ धाम हो, चाहे दूसरे धाम हो, चाहे ऑल इंडिया रोड हो, हर क्षेत्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पहाड़ को दिल से प्यार किया है और निश्चित रूप से पहाड़ के लोग, हमारे उत्तराखंड के लोग भी मोदी जी को प्यार करते हैं और 2022 में भीमताल विधानसभा सहित पूरे उत्तराखंड में मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतेंगे और यहाँ के लोग, उत्तराखंड के लोग मोदी जी को बहुत प्यार करते हैं। खबर महोबा से है, जहां अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद एवं पीड़ा एंड इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा संचालित राजनीतिक अधिकार एवं चेतना रैली प्रदेश के कई जनपदों से होती हुई आज महोबा पहुंची।
शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई राजनीतिक अधिकार एवं चेतना रैली नवीन गल्ला मंडी स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाहर पहुंचते ही वैश्य समाज के द्वारा उसका जोरदार स्वागत किया गया। महोबा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में दावेदारी करने वाले विनोद पवार ने कहा कि अगर हमें पीएम मोदी और सीएम योगी ने टिकट दिया तो समूचे बुंदेलखंड में बीजेपी को जीत सुनिश्चित कराएंगे। धन्यवाद। व्यापारी समाज, जहां का व्यापार अच्छा होता है वही देश बढ़ता है। पहले से आप देखते आए हो, ईस्ट इंडिया कंपनी आके भारत में राज्य किया था। आज व्यापारी वर्ग की उतनी पूछ नहीं हो रही है, जबकि आज सरकार 1-2% को सर्विस देती है। व्यापारी वर्ग कम से कम 5-7% लोगों को व्यापार और रोजगार देती है। नरहरि नारायण को मैंने पूजा है, हमेशा मैंने माना है कि गरीब जनता ही हमको बना के देती है। लोग कहते हैं कि हम लोग उनको रोजगार देते हैं, लेकिन यहाँ की भारत में कितनी गरीब जनता है, ये लोग हम लोग कितना मजबूत कर रहे हैं, ये लोग नींव के पत्थर हैं। और आज मैं क्या अपने द्वारा चाहता हूँ कि मैं विधायक बन के मैंने जितना अभी तक कर सका किया है, लेकिन अब विधायक बन के मैं चाहता हूँ जनता को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जनता ही का वोट ही सबको राजा बनाती है। यहाँ पर जो राजा होते हैं पेट से नहीं निकलते, यहाँ जनता ही चुनती है। आज अगर ईश्वर चाहेगा, मैं अपनी ज़्यादा तारीफ नहीं करते हुए, ये 10-15 साल का आपका रिकॉर्ड है कि मैं चाहता हूँ गरीब से गरीब जनता उठे, जैसे विदेश में भी कार की क्षमता है, कार की कीमत है, उस तरह हो। और यहाँ हम भारत सरकार से मांग करते हैं, जैसे वर्ल्ड में ब्याज नहीं है, भारत में भी ब्याज बंद हो और गरीब जनता को राहत मिले, ये अपना खुद रोजगार करें, ना कि किसी गुलामी करें। राजनीतिक अधिकार यात्रा लक्ष्य 2022 5 दिसंबर से प्रारंभ हुई, जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगर महानगर कस्बों से होती हुई आज महोबा की क्रांतिकारी वीर भूमि पर पहुंची है। इस यात्रा का मूल उद्देश्य वह समाज में राजनीतिक चेतना का स्फुरण कराना तथा राजनीतिक दलों पर दबाव बनाना, जो वैश्य बाहुल क्षेत्र हैं उन स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर टिकट मिलने चाहिए। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा क्षेत्र वैश्य बाहुल्य हैं, जहां वैश्य मतदाता प्रभावी संख्या में रहता है। 106 विधानसभा क्षेत्र वैश्य बाहुल्य हैं। हमारी मांग है कि जो राजनीतिक दलों ने नारा दिया था कि जिसकी जितनी आबादी सत्ता में उसकी उतनी भागीदारी, ये सिद्धांत सभी समाज के वर्गों पर लागू किया गया, लेकिन वैश्य समाज को हाशिए पर छोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जनवरी 2022 को मेरठ के सरदना विधानसभा के गांव सलावा में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। यहां शिलान्यास के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले सभा स्थल से लेकर विश्वविद्यालय के शिलान्यास तक का कार्य जोरों पर है। सलावा पुलिस चौकी गंग नहर पर एक पिकनिक स्पॉट भी बनाया गया है। वहीं इस खबर का एक दूसरा पहलू भी है, विश्वविद्यालय बनने से क्षेत्र की जनता में खुशी की लहर है, जिसमें लोगों का कहना है कि विश्वविद्यालय बनने से यहां जमीनों के रेट भी बढ़ जाएंगे और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। वहीं सभा स्थल पर तैयारियों को लेकर क्या माहौल है, हमारे संवाददाता की इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखिए। 2 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ के सलावा में पहुंचेंगे। आपको बता दें कि मेरठ के सरधना विधानसभा के गांव सलावा में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे नरेंद्र मोदी। साथ साथ प्रधानमंत्री यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारी लगभग जोरों पर है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो पंडाल बनाया गया है, स्टेज बनाया गया, इसी स्टेज से प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसमें हो सकता है कि आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस रैली स्थल का जो समीक्षा है वो करें। कयास यही लगाया जा रहा है कि आज योगी आदित्यनाथ आ सकते हैं समीक्षा करने के लिए। आपको बता दें कि जो मेरठ में जो खेल विश्वविद्यालय बन रहा है, ये लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से 92 एकड़ ज़मीन पर बनकर तैयार होगा, जिसकी घोषणा योगी आदित्यनाथ ने नोएडा के एक निजी स्पोर्ट स्टेडियम के उद्घाटन के समय की थी। वहीं दूसरी ओर इस यूनिवर्सिटी के लिए लगभग कई जिलों ने उत्तर प्रदेश के अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन ये सफलता केवल मेरठ को मिली। और इस सफलता के बाद यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनमें खुशी की लहर है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे रोजगार के अवसर बैठ गए। जो यहाँ ज़मीन का सर्कल रेट था वो भी विश्वविद्यालय के घोषणा के बाद बढ़ चुका है, और
इस कारण यहाँ लोगों में खुशी की लहरें, यहाँ रोजगार के अवसर बनेंगे, हॉस्टल बनेंगे, होटल बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, पटरी दुकानदारों को भी फायदा होगा, यहाँ जो लोकल रिक्शा चालक हैं या ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने, उन सबको रोजगार के अवसर बनेंगे। उससे पहले यहाँ के विधायक संगी सोप ने घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री के आने से पहले वह 1 तारीख की शाम को लगभग 10 लाख दीपक जलाकर एक दीपावली का तरह महोत्सव बनाओगे, जिसकी तैयारी लगभग क्षेत्र में वो भी चल रही है। और आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी तैयारी है, ये रैली स्थल की है। मैं ये देखे कि कुर्सियाँ भी आ चुकी हैं, पंडाल भी लगकर तैयार गया, और बिल्कुल मतलब रैली स्थल पूरी तरह तैयार है। केवल अब बस कुछ जो कमियां हैं वो दूर करिए, पूरी तरह प्रशासन अलर्ट है, हर तरीके की जो कमियां हैं उसको प्रशासन दूर करने में लगा हुआ है। बने रहिए हमारे साथ में, क्योंकि हम आपको न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया लगातार रैली से अपडेटेड आपको खबर पहुँचाता रहेगा। रिहान आलम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मेरठ। वहीं बांदा जिले के तिंदवारी क्षेत्र के परसौड़ा गांव में पट्टे की जमीन पर दबंगों के द्वारा कब्जा करने का मामला सामने आया है। 1966 में प्रधान द्वारा संबंधित जमीन का पट्टा किया गया था, जहां घर बनाकर पीड़ित रह रहे थे, लेकिन बरसात के कारण मकान गिर जाने के बाद से जमीन पर दबंगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। पूरे मामले को लेकर पीड़ित महिला ने डीएम से शिकायत की है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, बांदा की तस्वीरें, जहां पर पीड़ित महिला ने डीएम से शिकायत की है, उसकी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। हमारा मामला है, हमारे ससुर जी का पट्टा था, अब वहाँ उसने अहिर ने आगे कब्जा कर लिया, पीछे हमारा है। अच्छा। अब उस सड़क के व्यापार उसका था, अहिर का। अच्छा। मकान बना है, इस पार हमारा पट्टा है, उसने अहिर ने हमारे सामने कब्जा कर लिया है, झोपड़ी पट्टी बना रहा है। हमारे यहाँ पर 1966 में हमारे पिताजी का पट्टा हुआ था, वहाँ पर हम जो है झोपड़ पट्टी बना कर रहते थे, मकान बनाए बाद जो कारण थी मकान गिर गए, उसके बाद जो झोपड़ पट्टी बनाकर फिर रहने लगे, और वहाँ पर अंडा लकड़ी का सब पूरा वो करते हैं, जानवर बांधते हैं, तो गया प्रसाद के तो मैया जी मोड़ के उस पार रहता है, मोड़ के इस पार मेरा मकान है, तो जबरदस्ती वहाँ पर झोपड़ पट्टी बना है, जानवर बांध रहा है, चारपाई बिछा करके। और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने आज बाराबंकी में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों में यह हिम्मत रही कि वह अपने काम के दम पर वोट मांग सके। कोई जिन्ना तो कोई कब्रिस्तान की बात कर रहा है, लेकिन अपनी डबल इंजन की सरकार के काम की कोई बात नहीं बता पा रहा। यूपी चुनाव में भाजपा 100 सीटों से भी कम में सिमट जाएगी। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह चुनाव भाजपा के साम्राज्य के कफन में आखिरी कील साबित हो रहा है। वहीं उन्होंने यूपी में नए चीफ सेक्रेटरी के आने को लेकर भी योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आचार संहिता से कुछ समय पहले ही चीफ सेक्रेटरी को बदलकर सरकार अपनी असफलता ब्यूरोक्रेसी के चीफ पर डालना चाहती है। हमारे पास इतनी सीटें आएंगी कि हम अपने दम पे सरकार बना सकें, पहले सवाल का जवाब तो ये है। दूसरी सवाल का जवाब है कि चुनाव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, और जब विधानमंडल दल, जिसका मैं नेता रहा हूँ 6 बार, उसकी प्रक्रिया यही है कि जब विधायक चुन के आते हैं तो विधायक और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, वो मुख्यमंत्री हो जाएगा। ये हमने 80 में किया है, 85 में किया है, 89 में किया है, 91 में किया है, 93 में किया है, 96 में किया है, 2002 में किया है, 2007 में किया है, 2012 में किया है। खबर बस्ती से है, जहां फर्जी DLRC बनाने वाले पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इनके नाम हैं शमशाद अब्दुल रहमान अंसारी और मनीष प्रजापति। इन सभी अभियुक्तों को कटरा RTO कार्यालय के सामने से गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से पुलिस ने कूट रचे दस्तावेज तैयार करने वाले प्रपत्र के साथ कलर प्रिंटर, लैपटॉप, 4 मोबाइल फोन सहित 41,470 रुपए नकद बरामद किए हैं। SP आशीष श्रीवास्तव के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसका खुलासा ASP दीपेंद्रनाथ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया है। पुलिस अभियुक्तों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
क्राइम ब्रांच की टीम है और थाना कोतवाली की टीम को इस बात की सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति जो है RTO ऑफिस के पास में जो फर्जी DL और RC तैयार करते हैं वहां पर हैं, और इस सूचना पर हमारी टीम ने वहां पहुँच कर जब छापेमारी की और इनको पकड़ा, और जब इनसे पूछताछ की गई और इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से बड़ी मात्रा में फर्जी DL RC और कुछ मुहर और भी जो कुछ फर्जी पेपर्स बरामद हुए, और इनके पास से कैश भी बरामद हुआ, और इनके पास से स्कैनर प्रिंटर और लैपटॉप सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। और इनसे जब पूछताछ में जब इनसे बात की गई तो इन्होंने बताया कि चूँकि एक DL जो होता है जब ऑफिशियली आप बनवाएंगे तो लगभग 4,500-5,000 रुपये खर्च आता है, हम लोग 50 रुपये में फर्जी DL बना के दे देते हैं। इसी प्रकार से RC और अन्य चीज़ें भी जो भी हम लोग डॉक्यूमेंट्स हैं उसको बहुत सस्ते दर पे लोगों को उपलब्ध करा देते हैं, और जो आम आदमी जिसको नहीं पहचान सकता है उसको स्कैन करके ही आप पता कर सकते हैं, तो इसलिए जब चेकिंग के दौरान नॉर्मली हम लोग वही पेपर दिखा करके बच निकलते हैं। बिजनौर में बदमाशों ने पुलिस से राइफल छीनने की कोशिश की है, जिसके बाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। जानकारी मिल रही है कि बदमाश हैदर को पुलिस की टीम ने कालागढ़ रोड पर घेर लिया था, जिसके बाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। यह घटना शाम की बताई जा रही है। घटना के बाद से ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। तो बिजनौर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। जानकारी मिल रही है कि बदमाश हैदर को पकड़ने के लिए पुलिस ने कालागढ़ रोड पर उसको घेरा था, लेकिन जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। आपको बता दें कि फिलहाल मौके पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं। बुलंदशहर के औरंगाबाद अहीर वैदिक इंटर कॉलेज में केंद्रीय योजना मंत्री इंद्रजीत राव व पूर्व सांसद DP यादव ने शिरकत की है। 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बुलंदशहर में शहीद हुए राजा राव तुलाराम की मूर्ति का केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अनावरण किया। इसके साथ ही उन्होंने शहीद के नाम पर युवाओं के लिए एक स्टेडियम बनवाने का भी आश्वासन दिया है। डीपी यादव ने अहीर रेंजांगला को लेकर कहा कि यादव समाज के लिए रेजिमेंट का गठन होना ही चाहिए। वहीं गोंडा में मंचले युवक को युवती से छेड़छाड़ करना महंगा पड़ गया। दरअसल मंचले युवक ने युवती से छेड़खानी के बाद शिकायत करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद पीड़ित युवती के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो गोंडा का यह पूरा मामला है जहां पर मंचले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता रहे हैं कि शिकायत ना करने का दबाव बना रहा था मंचला युवक और जान से मारने की धमकी दे रहा था, जिसके बाद पीड़ित युवती के परिजनों ने पुलिस से शिकायत की और फिलहाल मंचले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमीरपुर जिले से एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां सुमेरपुर में एक महिला ने एक शख्स पर बलात्कार करने के बाद शादी करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने कहा है कि आरोपी ने अब उसे तलाक देकर 3 माह की बच्ची के साथ घर से निकाल दिया है। पीड़िता ने थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। तो हमीरपुर का यह पूरा मामला आपको बता रहे हैं जहां पर लव जिहाद का इसको मामला बताया जा रहा है। आपको बता रहे हैं कि पीड़िता ने आरोप लगाया है कि पहले तो आरोपी शख्स ने उसके साथ बलात्कार किया, उसके बाद उससे शादी रचाई, और अब जब उसकी 3 माह की एक बच्ची है तब उसको तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया है। तो ऐसे में पीड़िता थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर पहुंचती है और वहां जाकर उसने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। मेरी शादी हो गई थी, उसके बाद इसने हमारी शादी करवा दिया। 3-4 लाख का मेरा जेवर था, इसने बेच बेच कर खा डाला। आपकी शादी किसके साथ हुई थी? मेरी शादी हुई थी छानी बिहार के पास। किसके साथ हुई थी? अभी शादी हुई अली खान के साथ। अच्छा। कोर्ट मैरिज किया है। अब मेरे पास आधार कार्ड नहीं था, मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ, इसने मेरी कोर्ट मैरिज में जो भी लिखाया वो ये मुझे जानकारी नहीं है। इसके बाद एक गाड़ी में जाता रहा, मेरी बच्ची हो गई, 3 महीने की मेरी बच्ची है। मैं गर्भ अभी पहले से थी, मेरे साथ पहले गलत सब करता रहा। मैं यहाँ पर कोतवाली पे आई, मैंने एप्लीकेशन भी दिया, यहाँ पे मेरी सुनाई हुई, संगीता मैडम ने कैंपो मैच कराया। इसके बाद वहाँ गया तो मैंने वो कोर्ट मैरिज कराया। कोर्ट मैरिज कराने के बाद ये गाड़ी में जाने लगा, वहाँ मगदा वो हमीरपुर ज़िला में रहता था, हमीरपुर ज़िला से ये बेलदारी करता रहा। बेलदारी करने के बाद इसने बोला कि हम तुमको साथ रखेंगे,
साथ रखने के बाद इसके भाई लोगों ने मिल करके इसको पकड़ के ले गए। अब इन लोगों को कर्तव्य कराया गया हो या कुछ भी कराया गया हो ये मुझे जानकारी नहीं है। कैसा है, मैं तुमको तलाक देना चाहता हूँ। मुझे पूरी नज़र से देख रहा है, मुझे गंदे गंदे अंजाम लगा रहा है। दर्शकों, वन विभाग के लाख प्रयासों के बावजूद भी वन्य जीवों की तस्करी का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। खटीमा से एक बार फिर कछुओं की तस्करी का मामला सामने आया है। कस्टम विभाग ने एक इनोवा कार से 173 जिंदा कछुओं को पकड़कर खटीमा वन विभाग के हवाले किया है। खटीमा वन विभाग ने अज्ञात तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जिंदा कछुओं को नानक सागर में छोड़ने की न्यायालय से अनुमति मांगी है। पूरे मामले को लेकर वन विभाग ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही एआरटीओ रुद्रपुर को पत्र लिखकर इनोवा कार के असली मालिक का भी पता लगाने का प्रयास करने के लिए कहा है। तो खटीमा से तस्वीरें देख रहे हैं आपको, जहां पर 173 जिंदा कछुओं को पकड़ा गया है। अब इनको न्यायालय की अनुमति मांगी गई है कि इनको किस तरह से छोड़ा जाएगा। मुझे जो है दूरभाष पर यह बताया गया कि कुछ कछुए जो है इनोवा कार में जो है पकड़े गए हैं। मेरे रेंज कार्यालय में मैं कछुए 173 और इनोवा कार को लेकर आए, जिसको हमने अपने समर्थन में लिया तत्काल जब, और तत्काल इस पर हम लोगों द्वारा जो है एस्टिमेट जारी कर जो है अग्रिम कार्रवाई की गई है। और माननीय न्यायालय खटीमा में मेरे स्टाफ द्वारा जो है इसको जो है आज करम उसको जो प्रस्तुत किया जा रहा है वहाँ पे, जिस और जो 173 कछुए जिंदा हैं उनको माननीय न्यायालय द्वारा परमिशन ली जा रही कि इनको जो है छोड़ने के लिए, क्योंकि ये कछुए जो है शेड्यूल वन के जीव हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर भी आपको बताते चले कि उत्तराखंड शासन महानिदेशक सूचना एवं संपर्क विभाग के महानिदेशक रणवीर सिंह चौहान ने 10 अतिरिक्त सूचना अधिकारियों को एक जनपद से दूसरे जनपद में भेज दिया है, जिसमें गोविंद सिंह बिष्ट का बागेश्वर तबादला कर दिया गया है। अब हल्द्वानी मीडिया सेंटर की जिम्मेदारी ज्योति सुंदरयाल संभालेंगे। गिरिजा जोशी को अल्मोड़ा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रजनीश राणा को जिला सूचना कार्यालय देहरादून की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वीरेंद्र सिंह राणा को जिला सूचना कार्यालय पौड़ी गढ़वाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जानकी देवी को उत्तरकाशी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रतिलाल को रुद्रप्रयाग, श्रीमती भजनी को टिहरी गढ़वाल, रविंद्र सिंह को पिथौरागढ़ एवं सुरेश कुमार को चमोली के जिला सूचना कार्यालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 10 अतिरिक्त सूचना अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। कहां कहां ट्रांसफर किया गया एक बार फिर आपको सुनाते हैं कि कहां कहां ट्रांसफर हुआ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब सूचना विभाग के 10 अतिरिक्त अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। महानिदेशक रणवीर सिंह चौहान ने 10 अतिरिक्त सूचना अधिकारियों को एक जनपद से दूसरे जनपद भेज दिया है। आपको एक बार फिर लिस्ट सुनवाते हैं। गोविंद सिंह बिष्ट का बागेश्वर तबादला किया गया है। हल्द्वानी मीडिया सेंटर की जिम्मेदारी ज्योति सुंदरयाल संभालेंगी। वहीं गिरिजा जोशी को अल्मोड़ा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रजनीश राणा को जिला सूचना कार्यालय देहरादून की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वीरेंद्र सिंह राणा को जिला सूचना कार्यालय पौड़ी गढ़वाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं जानकी देवी को उत्तरकाशी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रतिलाल को रुद्रप्रयाग की जिम्मेदारी मिली है। श्रीमती भजनी को टिहरी गढ़वाल की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं रविंद्र सिंह को पिथौरागढ़ एवं सुरेश कुमार को चमोली के जिला सूचना कार्यालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं सिद्धार्थनगर में जिला मुख्यालय के सीएमओ ऑफिस परिसर में आशा बहुओं एवं आशा संगिनियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया है। सैकड़ों की संख्या में इन आशा बहुओं एवं संगिनियों ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर एकजुट होकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को सीएमओ एवं मीडिया से सामने रखा है। इस धरने के दौरान कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष अनिल सिंह ने आशा बहुओं एवं संगिनियों की समस्याओं को मीडिया के सामने रखा और कहा कि सरकार द्वारा मानदेय बढ़ाए जाने के बाद भी अभी तक आशाओं को उनका हक नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही आशाओं का मानदेय 10,000 करने की मांग भी की गई है। इस मामले में जिले के सीएमओ ए के सिंह ने कहा कि अभी बजट नहीं मिला था और अब बजट आया है, सीएचसीओ को अलॉट कर दिया गया है, अब पेमेंट भी कर दिया जाएगा। द्वारा जो राज्य कर्मचारी परिषद से संबद्ध संगठन है उनके द्वारा अपना 8 सूत्रीय मांग पत्र है, उसी को लेकर धरना किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017-18 में 750 रुपये आशा बहुओं का मानदेय बढ़ाया, लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है
कि आज 3 साल बीत गया लेकिन उनको नहीं मिला। दूसरी चीज़, जहां दिया भी जाता है वहां BCPM के द्वारा 2000 रुपये प्रति आशा से मांग किया जाता है। इसमें यह है कि बजट जो है नहीं आया मिला था स्टेट से, इसलिए इनके पेमेंट में परेशानी थी। बजट आ गया है तो SC वालों को अलाट कर दिया गया है, डॉक्टर साहब पेमेंट करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।